गाएगी भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर एक को यहाँ जो उपस्थित है, अपने बगान के स्टाफ लोग, परिवार वालों को, सभी को मेरी ओर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आशा करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और विशेष करके यहाँ उपस्थित जो बच्चे हैं, उन लोगों से हमको कहना है कि आज का ये दिन हम लोगों को बहुत ही संघर्ष के बाद मिला था। 75 साल पहले बहुतों ने, जैसे आप लोग जानते हो कि आज बहुतों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपनी जान दी है, अपने प्राण दिए हैं। तो जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों के कंधे पर ही कल का इस देश का भविष्य है। कल के आप लोग इस देश को, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं, उसी तरह से कल आप लोग को के जीवन में भी ये दिन आएगा जब आप लोग इस देश को आगे की ओर ले चलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को अपने आगे आना है, डरना नहीं है, और विशेष करके आप लोगों के पास जो आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई है। तो आप लोग जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, वो आपने पढ़ाई लिखाई पर आप लोग पूरी मेहनत के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, यही आप लोगों के लिए बहुत यही आप लोगों के लिए एकमात्र रास्ता है। और जिस तरह से हम लोग यहाँ तक, हम लोग अपने देश तक, आप देश के लिए इस दिन तक हम लोग देख पाए हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोगों का देश और भी भविष्य में और भी उन्नति करता चला जाएगा। आज जब हम लोग पिछले अपने आप को पीछे मुड़ करके देखते हैं अपने बचपन की ओर, तब हम महसूस करते हैं कि हम लोग अभावों से ग्रस्त थे। आज भी हम लोग अभाव में हैं, लेकिन उस दिन का जो जीवन था और आज के जीवन में बहुत आकाश और पताल का फर्क है। हम लोग को मानना होगा कि हम लोग दीन दुनी और चार चौगुनी के स्पीड से हम लोग आगे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें हम हर एक जन का योगदान है। ये नहीं कि कोई हमारे लिए कर रहा है, हम लोग में से हर एक लोग इसके लिए जिम्मेवार है। तो हम सभी से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ जो चाय बागान, विशेष करके बानाहाट टी स्टेट का जो परिवार है, हम लोग यहाँ पर देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जितनी चाय का उत्पादन होता है, हमारे देशवासी यह उसका उपभोग करते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि चाय हर एक इंसान, हर एक देश के नागरिक के लिए बहुत ही प्रिय है। उन लोगों का जो सवेरे सुबह शुरू होता है ये चाय की प्याली से। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं। दिवस में हमारा जन्म हुआ है, आप लोगों का भी हुआ है। आज बहुत कम ही लोग ऐसे खोजने में मिलते हैं जो परतंत्र के टाइम में उस समय हमारे बीच में अभी है, लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोगों के बीच में, हम लोग सबको आजादी के बाद जन्मे हैं, स्वतंत्रता के जमीन में हम लोगों ने सांस लेकर के जन्म लिया है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता को हम लोगों ने इतनी आसानी से नहीं पाया है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के टीचर से, आप लोगों के शिक्षक से, आप लोग हमेशा सुनते रहे हैं कि भगत सिंह, आज यही है कि उन लोगों ने हमारे लिए अपने प्राण दिए थे, और उसी के चलते आज हम लोग इतने खुशी और आनंद के साथ हम लोगों को सभी चीज की स्वतंत्रता है। आज हम लोग जो आज 15 अगस्त हम लोग को एक सप्ताह के बाद, कुछ दिन के बाद हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये हम लोग का।
से हम लोगों ने बहुत कष्ट करके आजादी पाई है। इस आजादी का भविष्य से बांध के रखना है। आज का भविष्य में हम लोग कहाँ से जिसका अधिकार होते थे हमारा देश ब्रिटिश होता, ठीक है? आजादी के लिए जो 10 वर्ष का जो था आजादी का 10 साल 12 साल जो भी व्यक्ति थे वहाँ पे आजादी के लिए वो धन के